एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट सो आज की वीडियो आई नो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए एंड इवन इंपॉर्टेंट के साथ साथ रिक्वेस्टेड वीडियो भी बहुत है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना मुझे बहुत सारे डी एम्स आ रहे थे लिटरली बहुत ज़्यादा डी एम्स आ रहे थे कि आप लोग एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहते हो एम ई टी पोर्टल के ऊपर जो कि है एमिगो सो so, आज के वीडियो में ना हम डिटेल में बात करेंगे कि एल एम एस क्या है एंड एमिगो पोर्टल क्या है एंड नमीगो पोर्टल को हमें कैसे एक्सेस करना है हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पर मिलेंगे हमारा स्टडी मटीरियल हमें कैसे स होगा एंड सिलेबस का क्या सीन है एंड जो भी हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो अगर हमें उन सब्जेक्ट्स uh, रिलेटेड या फिर कोई भी uh, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो हम उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कैसे बात करेंगे एंड हमारे सारे क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लेंस एंड सारे फीडबैक्स हम अपने पोर्टल पर जाके कैसे रेज आउट कर सकते हैं एंड एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो हमें एम प्रोवाइड कराता है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पर हमें मिलेंगे ये सारे कोर्सेज एंड एम की ई e मैगजीन्स क्या हैं स्टॉक क्या है डाउट क्लियरिंग सेशन हमें कहाँ पर अटेंड करने हैं एंड कब कब होते हैं ईच एंड एवरी थिंग आई विल भी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो सो मेक श्योर की आप स्टार्टिंग टू एंड पूरी वीडियो देखना बिकॉज गाइज मैंने बिल्कुल अपना बेस्ट करा है इस वीडियो में एंड so छोटे से छोटे पॉइंट को भी ना मैंने बिल्कुल इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में सो विदाउट एनी फर्दर विड्यू लेट्स गेट इन टू द वीडियो से टैप करके लिख लेना लिखना एम टी ऑनलाइन डॉट कॉम डायरेक्टली ऐसे सर्च करना फिर जल्दी लॉगिन हो जाएगा ठीक है अब ये देखो ये ना साइड पे आपको टॉप पे पहले ये बता देती थी लेट्स चैट का ऑप्शन आ रहा है लाइक आपको कोई भी इशू या फिर कोई भी क्वेरी होती है ना तो आप डायरेक्टली चैटिंग करके भी ना डिस्कस कर सकते हो अपना जैसे हमारा एन में होता था लाइक हम लाइव काउंसलर से चैटिंग कर सकते थे ना तो इसमें मुझे पोर्टल पर तो सेपरेट कोई ऑप्शन मिला नहीं लाइव काउंसलर लाइव काउंसलर चैटिंग का बट अब जैसे हम साइट पे आते हैं ना अपने लॉगिन पोर्टल के लिए तो हमें ये डायरेक्ट मिल सकता है तो so, अब लॉग इन करेंगे लॉग इन पर जाना ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है मेल एड्रेस अपनी डालना जो भी आपकी एम की जो एम की रजिस्ट्रेशन आईडी है ना वो डलेगी यहाँ पर ठीक है आपकी ई मेल नहीं जो एम की जो रजिस्ट्रेशन आई है वो डलेगी ठीक है उसके बाद हमें पासवर्ड डाल के अपना लॉग कर देना है ये हमारा सबसे पहले पॉपअप शो होता है सबमिशन ड्यू डेट तो काफ़ी सारे ना सब्सक्राइबर्स मेरे कंफ्यूज हो गए थे लाइक like, अभी तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है तो इंटरनल इंटरनल असेसमेंट कैसे आ गए तो डेर ये देखो नीचे देख लो ये लिखा हुआ है डेट्स नॉट एप्लीकेबल टू जुलाई बैच ये जो ये पॉपअप आ रहा है ना ये प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीवियसली इनरोल्ड स्टूडेंट्स है ना ये ये अपडेट उन लोगों के लिए ना कि हमारे लिए ठीक है okay. तो इन, इनको ये वाले अपडेट को हमें डायरेक्टली इग्नोर करना है तो सबसे पहले जो हमारा ये आता है ना ये डायरेक्टली हमें कुछ ऑप्शन आते हैं डैशबोर्ड आर्टिकल पोस्ट क्वेरी पी सी पी चेंज पासवर्ड ये सारे कुछ हमें सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये सब नीचे वाले तो चलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर आते हैं ये व्यू डैशबोर्ड देख रहे हो व्यू डैशबोर्ड पर हमें क्लिक करना है और ना मुझे ये देखो सबसे पहले ना ये फॉर्म खुलता है एक बेसिक डिटेल यहाँ पर हमारी सारी होती हैं तो बेसिक डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो फिर मैं स्किप कर रही हूँ अभी वीडियोस के लिए ठीक है स्किप करोगे यहाँ पर हमारी प्रॉपर देखो डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया हमारा रोल नंबर हमारा इनरोलमेंट नंबर हमारा फॉर्म नंबर प्रोग्राम ई मेल आई की ई मेल जो हमें सेपरेट मिलती है एम ई पासवर्ड हमें सब कुछ हमारी सारी डिटेल्स ना मेन डैशबोर्ड पर विजिबल हो जाती हैं ठीक है यहाँ पर नीचे व्यू रिसिप्ट भी लिखा हुआ है जिन लोगों को सेपरेटली रिसीव नहीं हुई ना अपनी मेल पर तो आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर जाके ना यहाँ से भी अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड की हमारी व्यू रिसिप्ट है ठीक है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड उसके बाद हमें जाना है माय कोर्स पे आप सेकंड देख रहे हो सेकंड ऑप्शन है माय कोर्स तो ये ही है एक बेसिक हमारा प्रॉपर स्टूडेंट डैशबोर्ड जहाँ पर हमें अपने सारे कोर्सेज एंड हमें अपनी सारी डिटेल्स हमारा सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले जो लोगों का स्टूडेंट्स का डाउट आता है ना तो वो यही है कि प्लेसमेंट्स तो देखो प्लेसमेंट्स का तो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ ये प्लेसमेंट ड्राइव लिखा हुआ है आप देख सकते हो जाती हैं लिखा हुआ है ना क्लिक है टू रजिस्टर ये दृष्टि ग्रुप की साइड से ये इंटर्नशिप uh, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है एंड लास्ट डेट टू रजिस्टर भी लिखा हुआ है ट्वेल्थ जून प्रोफाइल है बिजनेस डेवलपमेंट एंड एसोसिएट्स की स्टाइपेंड भी हमें फिफ्टीन थाउजेंड का मिला हुआ है ठीक है साइड बाय बाई साइड्सोदैथ हमें थोड़ी बहुत प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके ठीक है और यहाँ पर था हाउ टू एक्सेस अमीगो फ्राइडे ठीक है यहाँ पर ना फ्राइडे एक फोर टू तो फाइव वेबिनार बेसिकली कंडक्ट होता है जहाँ पर आपको पूरा टूटोरियल बताया जाता है कि हमें अमीगो कैसे एक्सेस करना है ठीक है आप ये भी देख सकते हो लर्निंग पोर्टल में ये लिखा भी हुआ है हाउ टू एक्सेस अमीगो योर लर्निंग पोर्टल ठीक है और यहाँ पर देखो जैसे हमारा एन में क्या होता था हमें एन में जैसे स्पेसिफिकली तो इन्होंने जैसे स्पेसिफिकलीलाइकन दे रखा था तो यहाँ पर भी ना बेलाइकन पर जाके हमें सारे जो रिसेंट अपडेट्स होते हैं ना वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो आप यहाँ से अपना ये बेलाइकन पर जाके सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन आते हैं ठीक है अगर आप डायरेक्टली ऐसे नीचे नीचे करके देखोगे ना तब थोड़ा सा आपको ना वो लगेगा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ठीक है तो मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगी कि हमें कैसे अपना गो थ्रू करना है ठीक है सबसे पहले यहाँ पर माई कोर्सेज है माई कोर्सेज में भी ये सेम चीज ही है और यहाँ पर भी सब सेम चीज ही है ठीक है और यहाँ पर भी सब सेम चीज़ है तो मैं आपको ये बोलूँगी ये सब चीज़ें इग्नोर करना सिर्फ आप एक ब्लू लाइन जो साइड पर दे रखी है ना यहाँ से अपना पोर्टल एक्सेस करना ये थोड़ा आपके लिए ईजी होगा ठीक है एंड रेडियो काउंसलिंग सेशन में तो जस्ट मैंने जब सुना आप भी देख सकते हो रेडियो काउंसलिंग सेशन में जाके ना यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है लाइक जो दो एम के जो एसोसिएट्स जो एम के यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स हैं ना वो आपस में एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने इनसाइट शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं ठीक है थीके? वो अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग के आप अपना फीडबैक भी डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो ठीक है अब यहाँ पर हम जैसे बैक होएंगे साइट होम पे जा सकते हैं ठीक है साइट होम पे जाएंगे ये तो खैर ऐसे एम था तो बेसिकली ये कैलेंडर था कैलेंडर में ना हमें यहाँ पर जितने भी हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं लाइक जो हमें अपडेट्स मिलने वाली है हम यहाँ पर वो विजिबल होंगी अब आप देख सकते हो ये मई में ना ये थर्टी मई को देखो कुछ हाईलाइट हो रखा है तो अगर यहाँ पर क्लिक करोगे ना यहाँ पर देखो ये टेस्ट है ये मे बी जो जो प्रीवियसली जो प्रीवियसली इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना वो उनके लिए यहाँ पर टेस्ट रखा गया था अब हमारे लिए देखो ये ना अपकमिंग कैलेंडर में कोई शो नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है कि जुलाई बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं सो so अगर आपको किसी भी टाइप की एडमिशन असिस्टेंस या फिर कोई भी हेल्प चाहिए ना सो यू यू गाइज कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम ऑन वाई व्हाट्सअप नंबर सो दैट कि मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे पर्सन के साथ कनेक्ट अप करवा के आपका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली रन हो सके ठीक है ये प्राइवेट फाइल्स में हम जैसे कुछ अपना प्राइवेटली सेव करना चाहते हैं लाइक like हमारा कोई पी है या कोई स्टडी मेटीरियल हम प्राइवेटली सेव करके रखना चाहते हैं ना अपने पोर्टल पर तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऐसे अपना फाइल मैनेजर पर जाकर ना कोई भी अपनी फाइल सेलेक्ट करके यहां पर सेव कर सकते हैं एंड माई कोर्सेस यहां पर हमारा मेन है जो हमारे कोर्सेज हैं यहां पर हमें शोएंगे माई कोर्सेस पर जाकर मैं ये इकोनॉमिक्स का आपको ओपन करके दिखा रही हूं मैनेजरल इकोनॉमिक्स है सेमेस्टर वन में ठीक है तो सेमेस्टर वन में जाके हमारे सबसे पहले कोर्स इन प्रोसेस में सिनोपिस में हमें कोर्स कंटेंट्स uh, में सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा सिलेबस ठीक है ये पहले कोर्स सब्जेक्ट मिल जाता है यहां पर आप नीचे जाओगे थोड़ा देखो यहां पर लिखा हुआ है सिलेबस आप सिलेबस को इजिली डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर डबल टैप करना ठीक है ये आपका सिलेबस ओपन हो जाएगा आप डाउनलोड भी कर सकते हो ये मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री फोर फाइव ठीक है अब यहाँ से अपना कोर्स डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस की रही बात एंड उसके बाद ग्लॉसरी है ग्लॉसरी मीनस जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं ना लाइक अगर हम किसी बुक को भी रेफर करते हैं तो फ्रंट पेज पे बिल्कुल की पॉइंट्स लिखे होते हैं ना तो ये की पॉइंट्स की डेफिनेशनस लिख रखी है आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो ग्लॉसरी इन द सेंस मतलब समरी है पूरी बुक की कुछ की पॉइंट जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो ग्लॉसरी के फॉर्म में आपको दिख सकते हैं ठीक है उसके बाद डिस्कशन फॉर्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक देखो जैसे मुझे मैनेजरल इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट है या फिर मेरे को मैनेजरल इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई भी कंसर्न है मेरा तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेसर एम शॉर्ट फॉर्म लिखी है एंड आज का क्वेश्चन देर आर नो डिस्कशंस क्योंकि अभी न्यू uh, न्यू बिल्कुल आईडी जनरेट हुई है इसकी ठीक है तो यहाँ पर आप कर सकते हो ये आज का क्वेश्चन जैसे अब आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी आपके डाउट है ना सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डायरेक्टली यहाँ पर आज का क्वेश्चन में अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो मैंने ये मेन डिस्कस करना था ठीक है अब यहाँ पर बैक जाओगे दोबारा यहां पर जाके डिस्कशन फॉर्म के बाद आता है हमारा स्टडी मटेरियल ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखो स्टडी मटेरियल में हमें ये हमारी है सॉफ्ट कॉपीज आएंगी हमारी हम यहां पर डाउनलोड करके अपनी पूरी बुक को भी देख सकते हैं ठीक है ये मैनेजल इकनॉमिक्स की हमारी पूरी, पूरी बुक डाउनलोड हो गई लाइक ये हमारा पूरा स्टडी मटेरियल हमें देखने को मिल जाएगा ठीक है अब हमें बैग जाके अब मैं आपको दिखाती हूँ यहां पर भी देखो आप आज का क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है आज का क्वेश्चन का आप, आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अब यहाँ पर बैक जाओगे ये हमारा था सॉफ्ट कॉपी अब यहाँ पर है एक और ऑडियो एस ठीक है अब ऑडियो एस का मैं आपको दिखा देती हूँ ये हमारे जैसे एक तो वीडियोस फॉर्मेट होते हैं और ये है एक ऑडियो आप ये देख सकते हो ठीक है ये सेपरेट सेपरेट आपके सारे ऑडियो एस दे रखे हैं सो so दैट कि आप एक ऑडिबल फॉर्मेट में अपना कोर्स को एक्सेस कर सको ठीक है वो आपके कन्वेंस के अकॉर्डिंग कि आप कैसा सुनना चाहते हो ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि हमें अपना वीडियो लेक्चर्स कैसे एक्सेस करने हैं ठीक है अब यहाँ पर जाओगे स्टडी मटेरियल पे ये आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है स्टडी मटेरियल पे जाके हमें ना यहाँ पर जाना है मॉड्यूल आप साइड पे देख सकते हो ये येलो कलर में मॉड्यूल पे जाओगे मॉड्यूल पे डाल के ना नीचे नीचे जाओगे अब ये देखो ये हमारा ना पूरा एक तरह का कोर्स हमारा पूरा कोर्स कंटेंट आ गया है ठीक है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आप जाओगे डिस्कशन फॉर्म है जैसे हमें वट इज़ डिमांड का एक टॉपिक देखना है थ्योरी ऑफ डिमांड जो मॉड्यूल वन है यहाँ पर जाओगे नेचर ऑफ इकनॉमिक्स पर जाएंगे ये देखो यहाँ पर आपका ई ट्यूटोरियल है यहाँ से हम अपने लाइव लेक्चर्स या फिर जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ना तो हम यहाँ से अपने एक्सेस कर सकते हैं ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे ठीक है अब जैसे हमें मॉड्यूल टू का मेरे को वीडियो देखनी है तो मैं वीडियो में जाऊँगी ये मॉड्यूल टू पर जाऊँगी अब जैसे मॉड्यूल टू का मुझे एक वीडियो लेक्चर देखना है तो हम जस्ट यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे ठीक है ये मेरा मॉड्यूल टू का पूरा ई लर्निंग पोर्टल खुल गया वीडियो खुल गई ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपने तो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनमें जैसे आप कोई भी सेपरेट सेपरेट वीडियो देखते हो ना आपको किसी भी सेपरेट वीडियो के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कोई भी आपको डाउट है ना तो आप सेपरेटली अपना ये देखो अपना सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट ले सकते हो मुझे ये बात बहुत सही लगी इनकी लाइक uh, like हमें ये वाला ऑप्शन ना एन एम एम नहीं मिलता था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एंड हाँ uh, कुछ स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमें इसके भी नंबर लगेंगे अगर हम जैसे कोई टेस्ट दे रहे हैं इस पर साफ साफ लिखा हुआ है देखो दिक दिस सेक्शन इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस परपजेस एंड इट्स इट्स एंड इट्स मार्क्स विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द इंटरनल असेसमेंट ठीक है ये हमारे सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए है एंड इसके जो मार्क्स है ना वो हमारे इंटरनल uh, असेसमेंट में या फिर एक्सटर्नल असेसमेंट में असेसमेंट में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे uh, ये सिर्फ आपका एक प्रैक्टिकल uh, प्रैक्टिस पर्पिस के लिए समझ लो ठीक है ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए है ये हमारे मार्क्स में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे तो ये आप इसमें क्विज में अपने पार्टिसिपेट करके ना अपना सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट ले सकते हो लाइक जैसे सेपरेट मॉड्यूल वाइज भी दे रखा है इवन आ, अपने वीडियो के जैसे सेपरेट वीडियो वाइज भी इन्होंने सेपरेट टेस्ट दे रखे हैं जैसे अब ये मॉड्यूल टू का हमें सब पार्ट दे रखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लाइव लेक्चर की वीडियो देख के ना जैसे मैंने ये वीडियो खोली अब सपोज मैंने ये पूरी वीडियो देख ली ठीक है अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ मतलब मुझे, मुझे वीडियो देखने के बाद कितना अच्छा समझ आया अब लाइक like मैं जाऊँगी यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नीचे ये ग्रीन में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर देखो ग्रेडिंग मेथड हाईएस्ट ग्रेड ये ग्रेडिंग आपको करके देगा अगर आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करते हो या क्विज अटैम्ट करते हो ना तो जो भी आपकी मार्किंग होगा वो करके देगा इसका इससे आप अपना सेल्फ वैल्यूशन कर सकते हो लाइक like आपको कितना अच्छा कोर्स समझ आ रहा है ठीक है तो ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस पर्पजेस के लिए इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होंगे ठीक है अब ये ही ऐसे हमारा सारा सो एंड सो हमारा पूरा सिस्टम है ठीक है आप स्क्रोल डाउन करोगे ये आपका पूरा कोर्स है मार्केट स्ट्रक्चर ये सब करके एंड एंड में ना आपको अपने आ, सब्जेक्ट की जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको केस स्टडी भी देखने को मिल जाएगी ठीक है ये जैसे इकनॉमिक्स की पूरी केस स्टडी का एक वीडियो मिल जाएगा हमें देख सकते हो ये हमारी प्रॉपर वीडियो है ठीक है यहाँ पर ये फुल इसमें करके मैं व्यू भी करके दिखा देती हूँ ठीक है हम ऐसे देख सकते हैं एंड यहाँ पर भी देखो सेपरेटली हमें आज का क्वेश्चन का आज का क्वेश्चन का ना हमें एक सेकेंड ये आज का क्वेश्चन का ना हमें हर जगह ही मतलब ऐसे शो हो रहा है तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो हम डायरेक्टली एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आप नीचे जाओगे मॉड्यूल फाइव एंड सारा अपना एक्सेस करने के बाद एंड यहाँ पर आपके असाइनमेंट शो होंगे बट अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि अभी जस्ट बैच स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रॉपरली ठीक है अब यहाँ पर स्टूडेंट फीडबैक भी है अब लिखा हुआ है कि दिस सर्वे क्वेश्चन हैविन डिज़ाइन इज़ अ पार्ट ऑफ आर रेगुलर एफर्ट टू मेनटेन द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी तो आपका जैसे भी कोर्स uh, करने के बाद अगर आपको कोई भी फीडबैक आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो ठीक है अब यहाँ पर हमारे असाइनमेंट टू ये हमारा वही है सब ठीक है ये मैं वही बोल रही हूँ ना ये ना ब्लू वाले को आ, आप एक्सप्लोर करके यहाँ से रेफर कर सकते हो सारे टॉपिक्स के एंड सारे कंटेंट्स को ये मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब वो लगा लाइक यूज़र फ्रेंडली कह सको क्योंकि अगर आप सेपरेट जाओगे ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा था तो मैंने थोड़ा इजी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करी है अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाओगे देखो ये डैशबोर्ड पे फिर हमारा पहले वाला खुल जाएगा जहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट दृष्टिग्रोपी वगैरह ये सब लिखा हुआ है ठीक है अब यहाँ से जाओगे ये हमारे तो मैंने बताया आपको ये हमारे पांच सब्जेक्ट्स वापस आ गए ठीक है जो मैंने अभी वीडियो बना दिया है जो मैंने पहले बोल दिया है सब कुछ ये डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये पांच सब्जेक्ट्स के बारे में ठीक है उसके उसके बाद हमारा आता है सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल्स तो ये मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ पर आप जाओगे सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल्स यहाँ पर देखो आपके सारे जो एक तरह का सर्टिफिकेशन कोर्सेज कह लो या फिर स्किल्स इंप्रूवमेंट कोर्सेज कह लो यहाँ पर आपको वो सारे मिल जाएंगे ठीक है ये नॉलेज एटीट्यूड मैनेजमेंट स्किल्स के कोई कोर्सेज मीटिंग मैनेजमेंट हैबिट्स एटिकेट्स ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स ये सब हमें देखने को मिल जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट एंड बहुत सारे कोर्सेज ठीक है यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है देखो आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हो डाउनलोड सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन करोगे ना तो यहाँ से देखो आपके सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे ठीक है यहाँ से आपको देखो पूरा मिल जाएगा सर्टिफिकेट और यहाँ पर सपोज़ देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक मिनट अब सपोज मुझे चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक है स्ट्रेस मैनेजमेंट की आ, मैं वीडियो देखना चाहती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे डबल टैप करना ये जो आपको पीडीएफ डी साइन मिल रहा है ना यहाँ पर आप डबल टैप करना डबल टैप करोगे अब ये डायरेक्टली आपका पूरा ई लर्निंग वीडियो ई लर्निंग पोर्टल या वीडियो खुल जाएगी ठीक है ये आपका पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का आ जाएगा ठीक है फिर ये बैक करोगे यहाँ से तो ये आपके बाकी सारे कोर्सेज के लिए भी एक्सेस मिल जाएगा लाइक like जैसे अभी हमें कोई एटीट्यूड मैनेजमेंट चाहिए या ग्रुप डिस्कशन चाहिए चलो ग्रुप डिस्कशन की मैं वीडियो देखना चाहती हूँ यहाँ पर जाओगे ग्रुप ग्रुप डिस्कशन पे डबल क्लिक करोगे ये आपकी पूरी ग्रुप डिस्कशन की वीडियो खुल जाएगी अब यहाँ पर कुछ कोर्सेस वग़ैरह देख के फिर यहाँ से अपने सर्टिफिकेशन ले सकते हो ठीक है तो ये हमारा बेसिक एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के ऊपर हो गया और उसके बाद हम हमारा आता है लाइक जैसे ये तो ये सारे कोर्सेज़ यार देखा जैसे हमने अब सर्टिफिकेट वाला खोला अपना पोर्टल हमारा हमने अपना टॉपिक खोला तो ये सारे सर्टिफिकेशनस के नीचे ना देखो इसके सब टॉपिक्स भी आ जाते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे ना वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं हमारे कोर्सेज पर जाके ना बट ये थोड़ा मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा ये मैंने बिल्कुल ईजिएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है लाइक जैसे देखो आप ये सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स के अंदर ये सारे ही सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे लाइक बैजेस में जाओगे ना बैजेस में आपको जैसे कोई कोर्सेस के लिए कोई एक रिवॉर्ड टाइप समझ लो रिवॉर्ड मिल सकते हैं हमें देखो सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स अभी फ़िलहाल कोई नहीं क्योंकि हमने अभी कोर्स कोई नहीं करा तो ग्रेड्स में जाओगे ग्रेड्स में भी वही है कि हमें कित किस हिसाब से ग्रेड मिला है एंड हमने किस हिसाब से अपने लेक्चर्स देखे हैं ये जनरल में जाओगे जनरल में तो वही है सब हमारा ठीक है ये इंट्रोडक्शन टू ये हमारे सेपरेटली खुल जाएंगे कोर्सेज एंड उसके बाद नीचे नीचे जाओगे ये सारे कोर्सेज हैं एंड उसके बाद ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेट पर आप मैंने आपको बताई दिया आप फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फीडबैक अपना डाल सकते हो एंड उसके बाद फिर वो प्राइवेट कोर्सेज आ गया डैशबोर्ड आ गया साइट होम ये हम सब कुछ बता सकते हैं कि मैं सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड लास्ट है ऑनलाइन क्लासरूम मैंने ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में डिस्कस करना था बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज थे तो गाइज़ ये ज़्यादा कुछ है नहीं तो सबसे पहले ये देख लो ये ना एक गाइडलाइन दे रखी है हमें कि लाइव क्लास हमें कैसे ज्वाइन करनी है प्लीज़ यूज़ दी अटैच गाइडलाइंस टू एक्सेस योर लाइव क्लासेस यू में डाउनलोड द फाइल एंड फॉलो द मेंशन स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर योर ब्राउजर फॉर अ सीमलेस एक्सपीरियंस ठीक है ये ऑनलाइन क्लासरूम है ना बेसिकली हमें Uh, सारे पी या फिर एक तरह का हाउ टू सेशन प्रोवाइड कर रखा है कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलोअप करके हम अपना मतलब जो हम uh, जैसे हम कोई लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं या फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा एक बेसिकली एक तरह का स्टूडेंट सपोर्ट समझ लो यहाँ पर हमें ना सेपरेटली पी में सारे स्टेप्स दे रखे हैं कि हम इन स्टेप्स को फॉलोअप करके अपनी uh, जो भी हमारा डिजाइड स्टेप है जो जो भी हमारा डिज़ाइड कॉन्टेंट है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं लाइक like मैंने लिखा लाइव uh, यहाँ पर है मैंशन लाइव क्लास लॉग गाइड ठीक है लाइव क्लास लॉग इन गाइड में आपको ये पूरा मिल जाएगा कि हमें कैसे कैसे अपने लाइव क्लासेस को एक्सेस करना है आप यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे नीचे 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 करके ये आपको सारा डिटेल में बता देगा कि आपको कैसे कैसे जाना है क्या प्रोसीजर है ठीक है जैसे सपोज डाउनलोड कर लिया मैंने ये लाइव क्लास लॉग इन आई एक बार मुझे बता देना अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ना तो मैं सेपरेटली पूरी वीडियो बना दूंगी कि लाइव लेक्चर्स को कैसे अटेंड करना है एंड एक्सेस करना है ठीक है ये पूरा हमारा देखो प्रेजेंटेशन के साथ इवन सारी फ़ोटोज़ एंड सारा मतलब ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हमें बता रखा है तो काफ़ी अच्छा मटीरियल है ठीक है अब यहाँ से हम नीचे जाके ये बैक कर लेते हैं पहले यहाँ से बैक करके उसके बाद हमारे हैं स्टूडेंट हैंडबुक बुक आप इसको भी देख सकते हो स्टूडेंट हैंडबुक हैंडबुक में देख लेते हैं कि क्या है स्टूडेंट हैंडबुक बुक एक सेकेंड अब ये हमारी डाउनलोड हो गई स्टूडेंट हैंडबुक में देख लेते हैं ये वही है कि एकेडमिक कैलेंडर कैसे करना है ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस देख लो ये एलएमएस स्टूडेंट जोन कैसे एक्सेस करना है ये एक तरह का ना पूरा हमारा मैनुअल है ये हैंडबुक एक तरह का मैनुअली समझ लो मैनुअल है पूरा कि हमें कैसे क्या चीज़ एक्सेस करनी है एंड प्रोफेसर्स के बारे में फैकल्टी के बारे में नॉलेज दे रखी है हमें एंड अक्रॉस द ग्लोब यूनिवर्सिटी के बारे में हमें काफ़ी इंफॉमेसन है लाइक पेमेंट ऑफ फीस जनरेशन ऑफ इनमेंट ये सारा ना एक तरह का पूरा इन्होंने मैनुअल बता रखा है ए टू जेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लाइक जनवरी बैच के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये देखो जुलाई बैचेस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बिल्कुल भी मिस आउट मत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो लेट फी पेमेंट डिटेल्स लेट फीस कब आ, कब एप्लीकेबल है कितने परसेंट से एप्लीकेबल है ये हमें सारा दे रखा है देखो ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन भी हैं लाइक ऑनलाइन लर्निंग कैसे uh, मतलब डिफरेंट है ये सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हाउ आर लेक्चर्स कंडक्टेड अकेडमिक डिलीवरी जो हमें ट्वेंटी फोर सेवन एक्सेस कैसे मिलेगा एंड हार्ड कॉपीज़ कैसे प्रोवाइड होंगी ये सब कुछ ना ये पासिंग क्राइटेरिया देखो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ना आपको इस वाली पी में मिल जाएगा ठीक है तो इस वाली पी को बिल्कुल एक बार देख लेना रीड आउट कर लेना आपके सारे डाउट्स ना यहीं से क्लियर हो जाएंगे ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये देखो हाउ टू एक्सेस द रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स आपको सारा डिटेल ये देखो 36 सिक्स पेजेस की पूरी पीडीएफ है और काफ़ी हेल्पफुल है इस सच में ये सारा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए होगी तो ठीक है ये देखो ये सेपरेटली इन्होंने कोर्सेज के ऊपर भी बना रखा है कि किस कोर्स के अंदर आपको किस टाइप का कॉन्टेंट देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर हम बैक जाते हैं ये तो हमारी होगी रिसोर्स बुक या हैंड बुक समझ लो ये अनाउंसमेंट्स हैं अनाउंसमेंट में हमें जो भी हमारी रीसेंट न्यू अनाउंसमेंट्स होंगी या फिर कोई भी अपडेट्स होंगी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है उसके बाद ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं सर्टिफिकेट इन एडवांस एक्सेल ठीक है आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये सर्टिफिकेट इन एडवांस एक्सेल यहाँ पर आप अपना uh, कर सकते हो सर्टिफिकेट ये देखो कोर्स कॉन्टेंट ये पूरा ना हमें एक्सेल का कोर्स दे रखा है देख रहे हो आप इंट्रोडक्शन टू एक्सेल एक्सल तो गई मुझे भी नहीं आता ढंग से चलो हम भी देखेंगे कभी आप लोग बताना ये देखो एडवांस एक्सेल है ये देखो हम यहाँ से पूरी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं ये पूरा उन्होंने वीडियोस डाल रखी हैं तो आप घर बैठे बैठे आराम से फिर बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल भी सीख सकते हो ठीक है विद सर्टिफिकेशन एट आवर्स ऑफ स्टडी लेवल एडवांस देख लो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं सर्टिफिकेट भी है देखो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो ये एक्सेल का सर्टिफिकेशन कोर्स ठीक है ये पर सर्टिफिकेशन भी है एंड बैक करोगे फिर से फिर से हम आ जाएंगे अपने मेन डैशबोर्ड पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एम टी ऑनलाइन कनेक्ट स्किलीफाई एंड रेडियो काउंसलिंग प्रोग्राम क्लास रिकॉर्डिंग्स ओपन कैलेंडर प्रोग्राम स्ट्रक्चर हाँ सैम्पल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सैम्पल पेपर्स देखो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो सैम्पल पेपर्स के लिए ऑनलाइन क्लासरूम में जाओगे स्क्रोल करोगे ठीक है सैम्पल पेपर्स आपको ऑप्शन दिख जाएगा सैम्पल पेपर्स पे जाओगे सपोज देखो ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारा है जैसे सपोज एम बी ए तो एम बी ए पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक यहाँ पर आप देख सकते हो सपोज़ मैंने मैनेजरल इकनॉमिक्स के सैम्पल पेपर्स चाहिए मुझे इस पर भी डबल क्लिक करोगे यहाँ पर देखो नीचे डाउनलोड डाँगोंगों हो गया डाउनलोड पे जाओगे ये देखो पूरा सैम्पल पेपर आ गया स्टार्टिंग के मे बी चार क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं लॉन्ग आंसर समझ लो एंड उसके बाद जो हैं क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है ये देखो हमारे सारे ऑप्शन वाइज हैं जो एम बेस्ड होते हैं ये ऑप्शन वाइज दे रखे हैं आप इसको भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर समझ लो या फिर आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम्स के लिए ठीक है अब यहाँ से फिर से बैक करोगे ये डाउनलोड फोल्डर भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ये एक तरह का पूरा हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद हमारा है स्टडी मटेरियल सेम वन डाउनलोड स्टडी मटेरियल पे भी जा सकते हो ये तो मैंने खैर उसमें बता दिया था सपोज मैंने मैनेजर इकनॉमिक्स का मेरा स्टडी मटेरियल चाहिए यहाँ पर जाओगे डबल क्लिक करोगे मैनेजर इकनॉमिक्स पर ये हमारा पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर ए एम के भी हैं सारे कोर्सेज मटीरियल कोर्स मटीरियल भी सारे ही दे रखे हैं तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे ये मुझे ये देखो मेरे सारे नोट्स समझ लो या फिर पूरा हमारा ई लर्निंग मटेरियल मिल गया पी डी एफ फॉर्म में ये हमारा पूरा देखो सारे नोट्स हैं ये आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद हम फिर से बैक पे जाएंगे ये एक्सपर्ट टॉक्स ये देखो इस पर एक्सपर्ट टॉक्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर जो इंडस्ट्री के जो बहुत हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स होते हैं लाइक फैकल्टीज होते हैं ना वो आपस में एक कन्वर्सेशन समझ लो या कम्युनिकेशन समझ लो एक डिस्कशन रखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं लाइक जो कुछ टॉपिक्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है अपनी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं वो फैकल्टीज एंड अपनी जो इंपॉर्टेंट इंसाइट्स होती हैं वो शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ ठीक है तो ये भी आप रीड आउट कर सकते हो ये बेसिकली ई मैगजीन है आप देख सकते हो एम टी ऑनलाइन कनेक्ट ई मैगजीन तो ई e मैगज़ीन आप देख सकते हो वॉल्यूम टू ये मैगजीन खुल गई हमारी तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो मैगजीन भी देख सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कोई मैगजीन पड़ेगा बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं है पढ़ेंगे कहाँ से बेसिकली आई होप कि मैंने uh, काफ़ी हद तक पूरा स्टूडेंट पोर्टल एक्सप्लेन कर दिया है बट स्टिल अगर कोई भी पॉइंट रह गया ना गाइस तो उसके लिए सॉरी तो एक बार ही मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वारीरी डाल देना सो so दैट कि मैं एक वीडियो बना रह, बना सकूँ सेपरेट अगर इनके ऊपर भी जैसे कोई सेपरेट मैंने कंटेंट्स बना रखे हैं अगर इनके ऊपर भी आपको सेपरेट डिटेल वीडियो चाहिए ना तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बताना सो so दैट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँ जिसके ऊपर भी आपको डाउट है ना तो मुझे आप प्लीज़ बता देना एक सेकेंड ये स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आप जाना बैक करके यहाँ पर आप क्लिक करके या फिर आप साइट पे भी जा सकते हो ऐसे जाना साइट पे ये डैशबोर्ड पे क्लिक करना ये लिखा हुआ है गो टू स्टूडेंट जोन ठीक है यहाँ पर जाना गो टू स्टूडेंट जोन ये आपका मेन वाला खुल जाएगा डैशबोर्ड अब यहाँ पर नीचे जाओगे कई स्टूडेंट पूछ रहे थे ना ई का आई कार्ड हमें कैसे मिलेगा ये देखो ये साइट पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ई आई कार्ड यहाँ पर क्लिक करोगे ये आपका <coughs> पूरा आई कार्ड ओपन हो जाएगा ठीक है आई कार्ड ओपन होने के बाद जैसे आपको कोई मेजर uh, अपडेट चाहिए उसके नीचे ही है बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड पे भी आप अपने सारे जो भी आपके मेजर एक तरह के रूल समझ लो या प्रिकॉशन समझ लो ये सारे ना उस वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है जैसे एकेडमिक टर्म ब्रेक प्रोसेस क्या है एमबीए स्पेशलाइजेशन कैसे है प्रोसीजर प्रोग्राम पीरियड एक्सटेंशन जैसे आप प्रोग्राम अपना एक्सटेंड कराते हो या फिर ज़्यादा टाइम में कम्प्लीट करते हो तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है प्रोजेक्ट गाइडलाइंस क्या है स्कीम ऑफ वैल्यूएशन ये देखो जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन कैसे होती है जैसे स्टूडेंट्स को होता है कि पासिंग क्राइटेरिया एंड वैलुशन स्कीम चाहिए होती है तो ये सब आप देखो स्कीम ऑफ वैल्यूएशन देख सकते हो मिनिमम थर्टी परसेंट मार्क्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट में जो नीडेड हैं एंड थर्टी परसेंट इन इंटरनल ये देखो ये ये सब आप देख सकते हो कि पीजी में कितने पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हमें अपने सीजीपीए चाहिए एंड अंडर ग्रेजुएशन में हमने कितने परसेंट चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएफ्स आप अपने पोर्टल पर देख सकते हो लाइक like मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया बाकी पढ़ना तो आपका काम है बाकी हम नीचे जाओगे फीडबैक के लिए आप अपने फीडबैक डाल सकते हो जैसे हमें आपको कोई भी इशू हो तो उसके नीचे आप एग्जाम एफ भी देख सकते हो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो यहां पर हमें शो हो, हो जाएंगे एग्जाम एफ में जाओगे मेरा शायद नेट स्लो हो गया है चल नहीं रहा बाकी आप एक्सेस कर सकते हो आराम से ये मे भी ओपन नहीं हो रहा और ये कॉन्वोकेशन टू ये देखो ये सर्वर आईपी एड्रेस कुड नॉट फाइंड मे बी ये कौन है एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ये मेन इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था ये देखो पी जो है ना ये हमारे डाउट क्लियरिंग सेशनस है बेसिकली एंड ये आप पढ़ सकते हो एंड ये ना वीकेंड्स पे कंडक्ट करे जाते हैं दीज आर प्राइमली कंडक्टेड ऑन वीकेंड्स पी सी पी शेड्यूल्स आर पोस्टेड एट स्टूडेंट पोर्टल तो ये स्टूडेंट पोर्टल पे जो हमारे अकेडमिक कैलेंडर है ना जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हमें अपने हाईलाइट्स मिल जाएंगे कि कब हमारा पी सी पीज है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कब है अपनी क्वा अटैप्ट जैसे हमारा एन में क्या होता था हम टिकट रेस करते थे लाइक like, ठीक है तो पोस्ट क्वायरी में जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम तो ये पोस्ट क्वाइरी में ना हम यहाँ से अपनी टिकट रेस करेंगे जैसे हम एन एम में तो सेपरेटली टिकट रेस का ऑप्शन आता था ना तो यहाँ पर पोस्ट क्वाइरी में है यहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाओगे ना स्टूडेंट जोन पे जाके पोस्ट क्वायरी पे क्लिक करोगे अभी तो खैर कोई क्वाइरीज नहीं है इसलिए यहाँ पर नो no क्वारीज आ रहा है सेंड क्वायरी करोगे जिसक डिपार्टमेंट करके यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके क्वारी टाइप सेलेक्ट करके इंट्रैक्शन टाइप सेलेक्ट करके एंड आपका जो भी आ, क्वारी है यहाँ पर अपनी लिख के यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो ठीक है फिर सबमिट करके आपकी क्वारी रेज हो जाएगी टिकट रेज़ हो जाएगी एंड सो आई होप कि मैंने uh, सारे कॉन्टेंट एंड सारे ही टॉपिक डिस्कस कर लिए होंगे बट फिर भी एक आधा कभी मेरे से छूट गया हो सो so आप लोग मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में एक अपना कमेंट ड्रॉप कर दो सो so दैट कि मैं uh, उन उन चीज़ों से गो थ्रू कर सकूँ सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो so गाइज़ बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो सो so दैट कि आगे भी आपको यूजफुल कॉन्टेंट मिल सके सो so मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग